अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, और कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जायके में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज देखिए मैं लेकर आई आप लोगों के लिए पापड़ी चाट की रेसिपी, जो खाने में बेहद लजीज लगती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी है, बन के तैयार हुई है पापड़ी। तो चलिए हम बनाते हैं इसे, कैसे हमने बनाया है तो हम आप लोग से शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए हमने मैदा लिया हुआ है, मैदा हमने 1 कप भर के ले लिया हुआ है, और इसमें हमने 1/4 कप सूजी इसमें शामिल कर ली है, महीन वाली सूजी है ये। अब इसमें नमक हमने डाल दिया 1 चम्मच, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, सरसों का ऑयल बिल्कुल भी ना लें आप, सरसों का तेल ना लें। और घी अगर आप डालना चाहते हैं तो घी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तेल नहीं डालें, घी डाल दें अगर आपको घी डालना है। वैसे तेल मुझे ज़्यादा सही लगता है, मैं तेल ही मोयन के लिए डालती हूँ। तो देखिए आपका मोयन इस तरह से मुट्ठी बन जाना चाहिए, तो ये परफेक्ट मोयन आपका है। तो अब आप इसे गूंद लें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो तैयार कर लें। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो तैयार करेंगे। पानी ज़्यादा एकदम से ना डाल दें आप, थोड़ा थोड़ा करके डालें पानी। तो देखिए इसका सख्त डो तैयार हो चुका है। तो इसे अभी हम जो है कवर करके रख देंगे। देखिए आप इसे ढाक कर रख दें कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें कवर करके। तो देखिए ये 20-25 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, आटा सेट हो चुका है। जैसा डो हमें चाहिए था वैसे ही है, इतना ये टाइट डो हमें चाहिए। तो इसे एक बार फिर से हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। देखिए तो अब इसे हम जो है 2 भाग में कर लेंगे। देखिए आधा आधा, इस तरह से इसको पेड़ा बना लेंगे। देखिए और पेड़ा बनाकर हम इसे गोल सीट बेल लेंगे। इसमें कोई जो है सूखा आटा या तेल बिल्कुल नहीं लगेगा, ये इतना सख्त डो होता है कि हाँ ये देखिए आप बेलेंगे तो आराम से बेल लेंगे, इतना सख्त डो होना चाहिए ये। तो देखिए हमने ये रोटी की तरह बेल लिया है, तो ये बारीक जैसे महीन रोटी होती है, रोटी के बराबर हमने पतली सीट, देखिए इस तरह से इतनी पतली सीट ये रोल कर ली है। अभी से हम फोर्क से कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि ये फूलनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे फोर्क के निशान लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से ये निशान लगा दें आप पूरी सीट पे। अब आपके पास गोल कटर है कोई, या जो है कटर नहीं है तो आप गोल कोई ढक्कन ले लें इतना बड़ा, तो आप उससे इस तरह से कट कर लें। तो ये एक ढक्कन मेरे पास था बोतल का, तो मैंने इसी से कट कर रही हूँ, ये साइज़ सही है। इतनी बड़ी मुझे पापड़ी बनानी है तो इतना बड़ा ढक्कन मेरे पास है। तो देखिए इतनी कट कर ली है, बाकी का जो ये निकला किनारे का तो उसे हम दोबारा में यूज़ कर लेंगे। ये तेल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। देखिए और फ्लेम का आप ध्यान रखें कि हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, लो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। आप लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें, तभी आपकी जो है आराम से धीरे धीरे क्रिस्पी जो फ्राई बन होकर तैयार होंगी निकलेंगी। और अगर हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो आपकी जो है ये जल्दी से जो हो जाएंगी गोल्डन ब्राउन और जो है क्रिस्पी नहीं होंगी। तो आप इसे धीमी आँच पर जो है फ्राई करें। तो ये देखिए कलर इस पर आ गया है, देखिए। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पापड़ी आप इस तरह से बना के आप किसी एयर कंटेनर जो है उसमें रख भी सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, या आप जब भी आपको चाट बनाना हो तो आप इस तरह से पापड़ी निकालें और फटाफट आपकी चाट बन जाएगी 2 मिनट में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आप ये पापड़ी खट्टा बना करके भी स्टोर कर सकते हैं कंटेनर में। तो ये बाकी की भी हम सब फ्राई कर लेंगे। देखिए 1 कप मैदे में बहुत सारी जो है पापड़ी बन के तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से।
तो इन्हें भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए पापड़ी हमारी जो है तैयार हो चुकी थी, अब चलिए हम इसे असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में पापड़ी बिछा दी है। अब ये उबले हुए आलू हैं, बॉयल आलू, तो इन्हें हम इसके ऊपर इस तरह से आलूओं को जो है बिछा देंगे। अभी आलू हमने बिछा दिए, इसके ऊपर अब हमने प्याज कटा हुआ डाल दिया है थोड़ा सा। प्याज को आप छोटा महीन काट लें और प्याज को काट के जो है इस तरह से बारीक डाल दें। अब हम टमाटर के टुकड़े छोटे छोटे बारीक कटे हुए डाल देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर हमने देखिए इसके ऊपर मटर कोर कर दिए, जो मटर हमने जो उबाल ली थी रात में भिगो दी थी, और मटर को जो है नमक डाल के उबाल लिया था। चाट वाली मटर है ये, तो मटर हम कोर कर देंगे। मटर अगर नहीं है तो आप जो है स्किप भी कर सकते हैं, आप आलू डाल दें। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर हमने दही डाल दिया। देखिए दही को हमने चीनी डाल के फेंट के रख लिया हुआ था, तो दही थोड़ा पतला होना चाहिए, जमा हुआ नहीं अच्छा होता है दही चाट में, तो थोड़ा पतला दही होना चाहिए। आप दही में थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच मिलाकर चीनी डाल के फेंट लें। अब इसमें हम जो है कुटी हुई लाल मिर्चें देखिए शामिल कर देंगे। अब थोड़ा सा चाट मसाला और जो है जीरा पाउडर जो हमने बना के रखा हुआ अपने घर में, वो मसाला हम इसके ऊपर जो है छिड़क देंगे। अब ये इमली की खट्टी मीठी चटनी हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए ये इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, और ये रमजान शरीफ में सभी के घर में बनती है, सभी लोग बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके घर पर भी होगी। अब ये जो पुदीना हरा धनिया की चटनी है इसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखिए अभी सेव इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो ये सेव मेरे पास घर में रखा हुआ था, और जो है इसके सेव जो है महीन सेव नहीं था मेरे पास, और यहाँ पास में आसपास मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने यही सेव यूज़ कर लिया है। तो देखिए मेरी पापड़ी चाट बनके तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको? प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, अच्छा अल्लाह हाफिज़।